हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं सौरभ श्रीवास्तव ब्लॉग। दोस्तों आज है धनतेरस, कल छोट पावली टी और पड़सो बड़ी दीपावली। तो भाई आज धनतेरस दिन हमारा एक नया पार्सल आया है। चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको पार्सल देने वाले भैया जो हैं आए हुए हमारे चौराहा पर। तो चलिए चलते हैं, लाते हैं भाई ये हमारी साइकिल, भाई इसी से आज हम जाएंगे। तो चलिए लाते हैं अपना नया पार्सल और बहुत ही सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। तो गाइस दीपावली आने वाली है तो उसमें कुछ नया करते हैं। मैंने एक नया टी शर्ट ऑर्डर किया था फुल स्लीव का, तो भाई जो है आए हैं टी शर्ट लेके मेरे। चलिए आपको दिखाते हैं भाई, भाई चलिए आप लोगों को दिखाते हैं मेरा नया टी शर्ट। तो देखते रहिए भैया, बैग में अभी निकालते हैं, सुबह दिखाते हैं। सौरभ श्रीवास्तव नाम से होगा। गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल। टूडे इज डे ऑफ दिवाली, आई एम सेलिब्रेटिंग दिवाली। हाउ सो सी टूडे इज डे ऑफ दिवाली और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार दिवाली मैं सेलिब्रेट करूंगा, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम ब्लॉग के साथ आप लोगों के साथ मतलब दिवाली सेलिब्रेट करूंगा। तो बहुत ही मजा आने वाला आज भाई। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज, जैसा कि आप लोगों ने देखा था पीछे कि मैंने एक टी शर्ट जो है ऑर्डर किया था, जो कि मैंने कलेक्ट कर लिया है बट अभी तक उसकी अनबॉक्सिंग नहीं किया है, यानी कि अभी तक उसको पहना नहीं है। और क्योंकि मैं बार बार यही टी शर्ट पहनता रहता था, हम नहीं सुधरेंगे, तो अंदर से फीलिंग भी आ जाती भैया हम नहीं सुधरेंगे, तो इसलिए भैया टी शर्ट चेंज करते हैं फुल स्लीव्स का और रेड कलर में आते हैं। तो भाई चलिए मिलते हैं आपको रेड कलर के टी शर्ट के साथ। सो लेट्स कंटिन्यू। मिला ही चाउमीन, मज़ा आ रही है। वेलकम फ्रेंड्स, फाइनली मैंने फुल स्लीव्स टी शर्ट रेड कलर वाला पहन लिया है और शाम के 5 बज चुके हैं और अभी कुछ देर में थोड़ा गौधरिया हो जाएगी, उसके बाद दीपक यानी कि दिया जलना स्टार्ट होगा और उसके बाद पड़ाकों के साथ थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन स्टार्ट होगा। तो चलिए भाई कंटिन्यू करते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं और आप लोग भी इन्जॉय करिए। भाई फिलहाल देखिए मेरा रेड कलर का टी शर्ट कैसा लग रहा है भाई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा एक बार। सो गाइस, मैंने तो एक चीज़ कहना ही भूल गया दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। इसी तरह आप अपने लाइफ में खुश रहें और आगे बढ़ते रहें और इसी तरह हमें भी सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग किया हूँ और स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा फुल स्लीव टी शर्ट है, थोड़ा बड़ा लग रहा है क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पतला हूँ और मैंने सबसे स्मॉल साइज़ भी मंगाया था, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है धनतेरस के दिन आया था जैसा कि आप लोगों को पता है, और आज दीपावली के लिए मैंने मंगाया था क्योंकि मैंने सोचा था दीपावली के दिन कुछ नया पहना जाए, क्योंकि बार बार हम नहीं सुधरेंगे पहन पहन के मैं ऊब गया था। तो फिलहाल दोस्तों भाई आ गया है और इसमें कुछ लिखा नहीं है, एक थोड़ी स्माइली बनी हुई है, क्योंकि जो मैं जैसा रहता हूँ मतलब हरदम हंसता रहता हूँ ना, इसमें भी स्माइल वाली। सो गाइस चलते हैं नीचे, आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह हमारे गाँव में हुई है दीपावली की सजावटें। तो चलिए भाई चलते हैं नीचे। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कितनी बेहतरीन सजावट की गई है हमारे गांव में, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया झालरों के साथ। ये देखिए जहां पे रामलीला होती थी वो भी स्टेज कितना ही बेहतरीन लग रहा है आपको देखने में। हमारे गांव की रामलीला जहां होती थी बहुत ही बेहतरीन, दिए में पूरे हमारे गांव में बहुत ही बेहतरीन दिया जल रहा है, हर जगह जहां देखिए तहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सजावट की गई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, लग रहा है श्री रामचंद्र जी वापस आ गए हैं। सो गाइस दिया जल चुका है हमारे पूरे गांव में, अब कुछ देर बाद यहां पर देख सकते हैं बच्चे पटाखा लगा रहे हैं और कुछ देर बाद अभी गणेश और लक्ष्मी का पूजन होगा और फिर बहुत ही मज़ा आता है भाई गांव में इस तरह, और उसके बाद भी पटाखा लगाया जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ा आता है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं।
सो गाइस रात के बज गए हैं 9 और देवी पूजन यानी गणेश लक्ष्मी की पूजा खत्म हो गई है और अब चलते हैं भाई पड़ाका छुड़ाते हैं भाई, आवाज आ रही है कि नहीं, पड़ाका चलते हैं छुड़ाते हैं भाई, एंजॉय करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। सो गाइस अब हम चल रहे हैं चरखी नचाने और आपको भी दिखाते हैं किस तरह हमारी चरखी नाचती है। सो लेट्स कंटिन्यू। तो गाइस अब हम जा रहे हैं पैराशूट उड़ाने और आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देखिए 4 पैराशूट हैं, 50-50 के एक मिले थे हमें, चलिए उड़ाते हैं आप लोगों को भी दिखाते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। सो गाइस आज है दिवाली का दूसरा दिन यानी कि परीवा, और परीवा के दिन जानते हैं क्या होता है भैया, जुआ खेलो, मतलब कुछ उल्टे सीधे जितने भी काम होते हैं आज ही के दिन होता है। कल भैया है भैया दूज, तो भैया दूज का भी आपको ब्लॉग मिलेगा, तो उसके लिए भाई चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और भैया दूज का भी ब्लॉग मैं ज़रूर बनाऊँगा। सो गाइस जैसे ही हम लोग का फेस्टिवल आता है तो पता नहीं क्यों सब लोग कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होने लगती है। कुछ लोग कहते हैं भाई पड़ाका मत दगाओ, होली आता है भाई कहते हैं पानी मत गिराओ। यार सब लोग एक साल में एक बार त्यौहार आता है, अब आप लोग इतने रूल्स ला देंगे, यार भाई सेलिब्रेट करने के लिए त्यौहार होता है, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए होता है, आप लोगों की तरह रूल्स फॉलो करने के लिए थोड़ी है भाई। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद नहीं आती भाई, हम ही लोग के त्यौहार में ऐसा होता है। आप लोगों का क्या ख्याल है भाई, कमेंट भाई बताइए ज़रूर यार, बहुत ही अच्छा नहीं लगता मेरे को, सच कह रहा हूँ। सो गाइस आज है दिवाली का दूसरा दिन, उम्मीद करते हैं आपको कल दिवाली में बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ा आया होगा। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग लाइफस्टाइल ब्लॉग हमारे चैनल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में और भी एक अच्छी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।